दोस्तों, वैसे तो आप सभी ने अभी तक फैक्ट्री में कई सारी चीजों को बनते हुए देख लिया होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजों को बनते हुए दिखाएंगे जिसे देखते ही आपका इन्हें खाने और पीने का मन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको हम सबकी फेवरेट आइसक्रीम और मैंगो जूस के साथ साथ स्वास्थ्य को ध्यान रखने वाले तेल के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इन चीजों को फैक्ट्री में बनते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अब बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं माजा की, जिसे बनाने का प्रोसेस शुरू होता है आम के खेतों से। जब आम के खेतों में आम पूरी तरीके से पक जाते हैं तब बारी आती है हार्वेस्टिंग की, जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए आम को बड़ी ही सावधानी के साथ तोड़ा जाता है। बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए आम को तोड़ने के बाद सभी आमों को ट्रक पर लोड कर दिया जाता है और फिर उन्हें फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। अब जैसे ही आम से भरा हुआ ये ट्रक फैक्ट्री में पहुंचता है, वैसे ही फैक्ट्री के बाहर खड़े वर्कर्स उन आमों को उतार कर कन्वेयर बेल्ट पर भेजते हैं। कन्वेयर बेल्ट पर पहुँचने के बाद बहुत सारे आम एक बड़े से पानी से भरे हुए कंटेनर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर आम को पानी की मदद से धोया जाता है। हम आपको बता दें कि इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार किया जाता है, जब तक आम पूरी तरीके से धुलकर साफ नहीं हो जाता। धुलने के बाद अब बारी आती है इन आमों को छीलने की, लेकिन उससे पहले आमों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए ही गुजारा जाता है, जहां पर वर्कर्स अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर चाकू पकड़े हुए खड़े रहते हैं। जैसे जैसे आम कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जाते रहते हैं, वैसे वैसे वहाँ पर खड़े वर्कर्स उन आमों को उठाकर ऊपर वाले हिस्से को चाकू से काट देते हैं। साथ ही साथ वर्कर्स खराब आमों को भी अलग कर देते हैं और अच्छे आमों को इसी कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे की तरफ प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद इन सारे आमों को एक बड़ी सी मशीन के अंदर डाला जाता है और इसी मशीन के जरिए आम के अंदर मौजूद पल्प को और ऊपर लगे छिलके और गुठलियों को अलग किया जाता है। गुठलियों और छिलकों को अलग करने के बाद बचे हुए आम को दूसरी तरफ भेजा जाता है, जहाँ पर बचे हुए आम को एक बड़े से कंटेनर में इकट्ठा किया जाता है और इसमें कुछ चीजों को मिलाया जाता है। हम आपको बता दें, जो आप लोग माजा या फिर फ्रूटी को पीते हैं ना, वो प्योर आम से नहीं बना होता, उसमें कई सारी चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे कि पानी, चीनी, आर्टिफिशियल कलर, साथ ही साइट्रिक एसिड भी इसमें एड ऑन किया जाता है। सभी चीजों को मिलाने के बाद ही तैयार होती है माजा। हालांकि अभी तो पैकिंग का पूरा प्रोसेस बाकी है। पैकिंग करने के लिए सबसे पहले तैयार माजा को एक बड़े से कंटेनर में स्टोर किया जाता है और फिर स्टोर करने के बाद इस माजा को ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन में फिल किया जाता है। फिल करने के बाद हम जाते हैं फैक्ट्री के दूसरी ओर, जहां पर तैयार किया जाता है माजा को फिल करने वाले डिब्बे। जब माजा के डिब्बे पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाते हैं और उन पर कंपनी का लेबल भी लगा दिया जाता है, तब इन बोतलों को कन्वेयर बेल्ट के थ्रू उन ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन्स के पास में पहुंचाया जाता है और वहां पर पहुंचने के बाद वर्कर्स उन बॉटल्स को दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर रखते हैं, जो बॉटल को फिलिंग मशीन के पास में पहुंचाता है। फिलिंग मशीन के पास पहुंचते ही मशीन ऑटोमेटिकली माजा को क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही फिल कर देती है। फिल करने के बाद बॉटल्स पर कैप लगाया जाता है और इन्हें फिर सील कर दिया जाता है। सील करने के बाद अब बारी आती है इन्हें पैक करने की। पैक करने के लिए सबसे पहले वर्कर्स इन सभी बॉटल्स को एक तरफ इकट्ठा करते हैं और फिर इन्हें पैक करके बड़े बड़े ट्रकों में लोड कर दिया जाता है। लोड करने के बाद ये ट्रक बड़े बड़े मॉल से लेकर छोटी छोटी किरानों की दुकानों पर पहुंचते हैं, जिसके बाद हम और आप इन्हें गर्मियों में खरीद कर और इन्हें पी कर इनका लुफ्त उठाते हैं। तो दोस्तों, जहाँ गर्मियों में लोग माजा पीना पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोग आइसक्रीम को खाना पसंद करते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर फैक्ट्री में आइसक्रीम को कैसे बनाई जाती है, क्या होता है इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो दोस्तों, आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है आइसक्रीम बनाने का सामग्री। अब वैसे तो हम सभी जानते हैं, हमारे भारत में कई तरह की आइसक्रीम ब्रांड्स मौजूद हैं, जिन्हें खाना तो सभी लोग पसंद करते हैं और जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो है अमूल की आइसक्रीम। हालांकि आज हम आपको कोन वाली आइसक्रीम का प्रोसेस बताने जा रहे हैं। तो कोन को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैदे को एक बड़े से मिक्सचर जार में डाला जाता है। मैदा डालने के साथ ही इसमें शुगर, आर्टिफिशियल कलर और वेजिटेबल ऑयल को डालकर अच्छे से मिक्स किया जाता है।
अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें पानी डालकर एक पतला सा पेस्ट तैयार किया जाता है। और इस पेस्ट को तैयार करते समय काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि कहीं पर पेस्ट ज्यादा थिक तो नहीं हो गया है या फिर कहीं पर ज्यादा पतला तो नहीं हो गया है। जब पेस्ट अच्छे से लिक्विड फॉर्म में तैयार हो जाता है तब इसे कन्वेयर बेल्ट के थ्रू एक फिलिंग मशीन में भरा जाता है। फिलिंग मशीन में कोन बनाने का लिक्विड जब भर दिया जाता है ना, तब मशीन के जरिए गर्म सांचे पर इस लिक्विड को डाला जाता है जो कि दिखने में बिल्कुल एक रोटी की ही तरह लगता है। सांचों पर लिक्विड को डालने के बाद इन्हें अच्छे से अब बेक करने की बारी आती है और इस चीज को फैक्ट्री में वैफल के नाम से भी जाना जाता है। जब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं ना, तब बारी आती है वैफल को कोन का शेप देने की। शेप देने के लिए सबसे पहले इन वैफल्स को कोन वाली मशीन में डाला जाता है और फिर गर्म होने की वजह से ये आपस में अच्छी तरीके से चिपक जाते हैं। और ये सारा का सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक मशीन के जरिए ही किया जाता है। इसमें वर्कर्स सिर्फ पीछे खड़े होकर देखते हैं और जो सारा काम होता है ना, वो खुद ब खुद एक मशीन ही करती है। जब कोन बनकर तैयार हो जाता है फिर बारी आती है इसके अंदर फिल करने वाली आइसक्रीम को तैयार करने की। आइसक्रीम को तैयार करने के लिए कई सारे अलग अलग फ्लेवरों का इस्तेमाल होता है। कभी वनीला फ्लेवर इस्तेमाल होता है तो कभी चॉकलेट फ्लेवर। वो खाने और बनाने वालों पर डिपेंड करता है लेकिन सभी की प्रक्रिया एक जैसी ही होती है। अब आइसक्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले चॉकलेट को फैक्ट्री में लाया जाता है और इसे एक हीटिंग मशीन में डालकर अच्छे से इसे मेल्ट किया जाता है और फिर इस समय उस चॉकलेट में चोको चिप्स और चोको क्रंच को भी मिलाया जाता है। चॉकलेट को तैयार करने के बाद तैयार करी जाती है क्रीम, जिसे बनाने के लिए दूध, फैट क्रीम और शुगर को मिलाकर अच्छे से इन्हें तैयार किया जाता है। जब चॉकलेट और क्रीम पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाते हैं तब बारी आती है कोन में आइसक्रीम को भरने की। उसके लिए सबसे पहले वर्कर्स कोन को एक मशीन में सेट करते हैं और फिर क्रीम को फिलिंग मशीन में भरते हैं। इसके बाद शुरू होता है असली प्रोसेस। क्रीम को भरने से पहले उन सभी कोन्स में सबसे नीचे चॉकलेट डाला जाता है जो कि हमें खाने को मिलता है। उसके बाद सभी कोन्स में एकाएक आइसक्रीम भरी जाती है और आगे की तरफ इन्हें प्रोसीड किया जाता है। आपको हम बता दें, ये मशीन एक बार में 8 कोनों में आइसक्रीम भरती है। आइसक्रीम भरने के बाद इन्हें आगे प्रोसीड किया जाता है और इन्हें कुछ देर के लिए फ्रीजर में रखा जाता है ताकि आइसक्रीम सख्त हो सके। फ्रीजर से निकलने के बाद इन्हें फटाफट से पैक करके मॉल और दुकानों में भेज दिया जाता है जहाँ से हम और आप इन्हें खरीद कर खाते हैं और ठंडी ठंडी आइसक्रीम का हम लोग मजा लेते हैं। तो अभी तक आपने माजा और आइसक्रीम के बारे में जान लिया, लेकिन हम आपको बहुत ही छोटा सा प्रोसेस बताने जा रहे हैं कि घर में खाए जाने वाले तेल को कैसे बनाया जाता है, यानी कि जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना, उसे कैसे तैयार किया जाता है। तो आप सभी को बता दें किसका प्रक्रिया शुरू होता है सरसों से, जहाँ पर फैक्ट्री में सबसे पहले सरसों को लाया जाता है और इन्हें अच्छे से साफ किया जाता है। साफ करने के बाद वहाँ पर मौजूद वर्कर्स इन सरसों को एक बड़े से कंटेनर में डालते हैं। कंटेनर में इकट्ठा करने के बाद इन सरसों को एक साथ बड़ी सी चक्की मशीन में डाला जाता है जहाँ पर ये मशीन इन सरसों को पीस पीस कर इनमें से तेल निकालती है। हालांकि ये सिलसिला बरसों से चला आ रहा है लेकिन आज के समय काफी ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन तरीका वो ही अपनाया जाता है। हम आप सभी को बता दें कि जब तेल पूरी तरीके से अलग हो जाता है ना, तब बारी आती है इन्हें डिब्बे में भरकर पैक करने की। और पैक करने का प्रोसेस भी बाकियों की तरह बिल्कुल सेम ही रहता है। सबसे पहले तेल को फिलिंग मशीन में भरा जाता है और तेल भरने के लिए डिब्बे भी उसी फैक्ट्री में ही तैयार किए जाते हैं। जब पूरी तरीके से डिब्बा बनकर तैयार हो जाता है तब इन्हें फिलिंग मशीन के पास में भेजा जाता है और फिलिंग मशीन इनमें क्वांटिटी के अकॉर्डिंग तेल भरती जाती है और इन्हें पैक करके बड़े बड़े ट्रकों पर लोड किया जाता है और लोड होने के बाद इन्हें दुकानों पर भिजवाया जाता है जहां से हम और आप इसे खरीद कर घरों में ले जाते हैं और दाल सब्जियों में छौंका लगाते हैं। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट ऑयल आपको कौन सा लगा और आप कौन सा तेल यूज करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और नमस्कार।